महंगी बहुत ही शराब है, ज्यादा ज्यादा पिया करो। बस खुशबू सही चढ़ना स्टार्ट हो गई है। हाँ तो चखना बड़ा मजेदार लग रहा है भाई। वही बना गए ना, मस्त ट्राई वाला है ये। काम हो रहा था, खुल गया। चलो भाई पैलेट में देखते कैसी है। माउथ बर्न ही बहुत ज्यादा है, बहुत माउथ बर्न है उसकी। मतलब ये जो सुलेरा प्रोसेस इन्होंने लिखा हुआ है बस नाम के लिए है। प्रोसेस छोड़ना, मतलब क्या कहा था शुरुआत में भाई, विस्की का जो असल रिव्यू होता है ना, वो होता है पीने के बाद। वेल दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का लाइव दोगुना में स्वागत है। मैं हूं रवि, ये है राहुल। और जैसे कि आज आप देख रहे हैं, सेटअप हमने थोड़ा सा चेंज किया है, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने स्टूडियो में। तो मैं सोचा चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं, बताना आप लोगों को ये सेटअप पसंद आया कि नहीं आया। बिल्कुल, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे हमें मैदान ज़्यादा मिल गया है अपना खेल के लिए, है क्यों, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारे पास है बैरल स्लैग, बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ा सा टावर हमने यहाँ पे रखा हुआ है बैरल स्लैग का एकदम। और बहुत ही पसंदीदा ब्रांड है ये इंडिया में लोगों का, ये है बैरल स्लैग रॉयल स्टैग का। बट जो एक्चुअल जो इसका ब्लेंड है रॉयल स्टैग, नॉर्मल रॉयल स्टैग आती है, उसने इंडिया में अलग ही झंडे गाड़ रखे हैं। क्यों राहुल? अरे भाई बजट फ्रेंडली विस्की में वो क्या रखी है। हाँ मतलब उसके मुकाबले में ना दो तीन ही ब्रांड है जो उस लेवल पे टिक पाते हैं। और उन्हीं का ही एक और वेरिएंट है, उसी रॉयल स्टैग का एक और वेरिएंट है बैरल स्लैग, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रीमियम माना जाता है इसको, इन्होंने बनाया है इसको, थोड़ा सा 50 से 70 रुपए का प्राइस डिफरेंस आता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइस डिफरेंस। हाँ, इससे ज्यादा डिफरेंट नहीं है, मतलब अगर बैरल सेलेक्ट लेते हो आपको वो 50-70 रुपए ही महंगी पड़ती है, इससे ज्यादा महंगी नहीं पड़ती है। अगर आपको अच्छा ब्रांड भी निकल जाता है, कितना अच्छा है कितना नहीं है वो आगे आप अपने रिव्यू में बता देंगे, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि बैरल ये रॉयल स्टैग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RS भी बोलते हैं सारे उनके फैन, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग ब्रांड रह चुका है वर्ल्ड का टॉपेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा बिकने वाली विस्की थी एक टाइम पे ये। अब कंपटीशन में और भी प्लेयर आ चुके हैं, तो अब तो वो खिताब इसके पास नहीं है, बट अभी भी इसकी जो फैन फॉलोइंग है वो अनब्रेकेबल है, अनबीटेबल है, लोगों के दिलो दिमाग में ये इतनी ज़्यादा छाई हुई है। मैंने बहुत पहले कभी रॉयल स्टैग पी थी, अब पता ही है बजट विस्की का क्या हिसाब किताब होता है। पीते रहते होगे। और ये ब्रांड भी बहुत पुराना है, 1857 का सेगरन ब्रांड स्टेब्लिश जब हुआ था। अच्छा। और जो अपना रॉयल स्टैग सेगमेंट है वो 1995 में हम आ चुका था मार्केट में। 1995 में रॉयल स्टैग, बिल्कुल रॉयल स्टैग 1995 में मार्केट में आ चुका था। और 2011 के आसपास आई गेस ये बैरल सेलेक्ट लॉन्च हुआ था। हाँ 2011 का, है ना। हाँ, क्योंकि ये उस टाइम तक मार्केट में इतना ज्यादा छा चुका था रॉयल स्टैग कि इन्होंने सोचा कि एक नया वेरिएंट प्रीमियम क्लास में कुछ लॉन्च करते हैं। अब सीग्रम्स की अगर आपने देखा, उनका ट्रेंड रहा है कि एक वो नॉर्मल वेरिएंट डालते हैं और उसके बाद एक वो प्रीमियम वेरिएंट। जैसे सीग्रम्स की ब्लेंडर स्प्राइट, एक नॉर्मल ब्लैक एडिशन आती है और एक आता है रिजर्व कलेक्शन, ठीक है। ऐसे उनके ज़्यादातर और भी आप अगर देखोगे ब्रांड, तो ये रहा है उनका ट्रेंड, है ना। और तो, लोग बोलते हैं बहुत अच्छी विस्की है, मतलब इस बजट के अंदर। अब देखते हैं क्या चीज़ कितनी अच्छी है कितनी नहीं है, रिव्यूज में आगे मालूम पड़ेगा। साथ में आप देख ही रखा है बैरल स्लैग, मतलब कि अमेरिकन के जो बेस्ट बैरल्स होते हैं उसमें चार जो के जो विस्की आई है, मतलब वो बताते हैं कि ये वो है। इसलिए अच्छा। बैरल स्लैग रखा हुआ है, बाकी एक प्रोसेस है जिसके बारे में रवि बताएगा आपको कौन सा प्रोसेस है। चलो इन सब के बारे में तो देखो आपको पता ही, हम बात करेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले कुछ चखना तो कर ही लेते हैं, है ना, है ना। इंडियन ब्रांड है तो क्या, चखना तो होना चाहिए। तो इसके साथ जो मैं आज चखना बनाऊंगा ना, वो ऐसा चखना बनाऊंगा जो क्विक है, बहुत इजी है, बहुत कॉमन चीज़ों से बन जाता है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बनाऊंगा मैं, कहीं और नहीं जाऊंगा। अब इससे पहले कि चखना बनाना स्टार्ट करें, राहुल आपसे एक छोटा सा मैसेज आपके लिए, आपको एक काम टास्क देगा। राहुल ज़रा बताइए, हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बिल्कुल सही, आपका मेन टास्क है आज का, हमारे चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम आपके लिए नए नए विस्की के रिव्यू लेके आते रहे। बिल्कुल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास है एक एक कुरकुरे का पैकेट, और ये कुछ छोटी थोड़ी बहुत सब्जियाँ थी घर पे, मैंने अपनी काट पीट के रख ली है, ज़्यादा नहीं, कॉमन सब्जियाँ जो भी आपको घर पे मिल जाए, टमाटर प्याज तो सबके घर पे ही होता है, थोड़ी शिमला मिर्च थी मैंने वो काट ली, और थोड़ी सी मिर्ची, और ये अपना कुरकुरे, ठीक है। आपको एक बोल ले लेना कुछ इस टाइप का, ठीक है, इसमें कुरकुरे ले लो, डाल लो, ठीक है, को हटा देते हैं। और अब हम इसमें नीचे रख लेते हैं ये सारी सब्जियां, डाल देंगे
ठीक है, इतने के लिए इतना बहुत है, एक पैकेट के लिए तो इतना बहुत है, टेस्ट ठीक ठाक हो जाता है इतने से। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको जल्दी से मिक्स कर लेंगे, सिंपल सा चखना अपना, देखने में काफी अच्छा लग रहा है, खाने में भी ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, कुरकुरे ऐड है। ठीक है, अब भाई देखो थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा, क्योंकि इसमें सब्जियां भी ऐड हुई हैं, तो थोड़ा सा राहुल जैसे कि आप चुटकी भर भर के डालते हो, तो मसालों में मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं रखा हुआ, काली मिर्च है, थोड़ी सी लाल मिर्च है, थोड़ा सा चाट मसाला है, और काला और सफ़ेद नमक है ना, हाँ, और आपका फेवरेट चटकारा नींबू का। वैसे इस चखने का नाम मुझे ना जैसा टाइम चल रहा है हमें रखना चाहिए, नींबू एंड कुरकुरे चखना, क्योंकि नींबू आज के टाइम पे इतना महंगा हो चला है कि ना अगर किसी चीज़ में नींबू डल रहा तो नींबू को एक स्पेशल प्लेस देनी पड़ रही है आजकल। बीस के चार, बीस के चार दिल्ली में तो भाई यही है, तुम्हारे यहाँ बतानी भाई क्या होगा, अलग ही मतलब डालो थोड़ा, हाँ और डालेगा तो आगे डालते रहेंगे अपना, देख लेता हूँ अगर ले लेगा, ठीक है सही है, चलो इनको साइड कर लेते हैं। कैसा लगा? बढ़िया है, बढ़िया। कुरकुरे में कहूँगा कुरकुरे ज़्यादा लंबे हैं, अब थोड़ा उनको हाफ कर लें, थोड़ा तोड़ लेना, हाँ सबको तो खाने में धन्य रहेगी स्पून में। बेसिकली टेस्ट है ना, कोई ज़्यादा फालतू ठटक्रम नहीं है चखने में, ठटक्रम वर्ड नया सुन रहा होगा, यूपी का वर्ड है, ठीक है, मतलब ज़्यादा तामझाम नहीं है, ठीक है, तुरंत बनाओ, तुरंत तैयार करो, महफिल बनाओ और खाओ पियो ऐसे करो, हैं। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, असली मुद्दे पे आते हैं कि भाई, चलो भाई राहुल ओपनिंग करो, चलो। ये भाई इसका कैप है और मैं कहूंगा ये कैप इतना यूटिलाइजेशन वाला है ना, इतना यूटिलाइजेशन वाला क्या सोच भी नहीं सकते, कि जो स्मोकर्स होते हैं ना इसको एस्ट्रे की तरह इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर एस्ट्रे की तरह इस्तेमाल करते हैं, जब इसके खोल लेते हैं बोतल, सही कहते हैं एस्ट्रे मिल गई भाई। बाकी बॉटल का डिजाइन मैं कहूंगा बहुत ही अच्छा और क्लासी है और बहुत ही अच्छा क्राफ्टेड है, इसके अंदर जो रॉयल स्टैग का लोगो है वो बढ़ता हुआ दिखाया है लोगों ने, ब्रदर्स लैग साइड में दिया है, क्वालिटी सिंस 1857 इसके और दूसरी तरफ परी साइड में दिया है, और बहुत ही अच्छी बॉटल है, मैं अभी एक बार देख लूंगी, और बॉटल तो मतलब बॉटल की जो हैंडलिंग है ना वो काफी अच्छी है, अच्छा जो ऐसे अवार्ड होता है ना, जिसमें अवार्ड होता है कुछ वैसी लगती है बॉटल, ये आई गेस यूके की एक कंपनी है, नाम मैं भूल रहा हूँ, मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो डिजाइन करती है, वही जो सीग्रम्स के जिनके तो वही डिजाइन करती है बोतल भी, एंड जैसे आप बोतल निकालोगे ना बड़ा बड़ा बोतल पे लिखा हुआ है सोलेरा प्रोसेस। अब अगर आपने मेरा पुराना एक वीडियो है मैंने जिसमें प्रोसेस समझाया था आपको, भाई जब तक तू बोल कर मैं थोड़ी का टाइम मिल जाएगा, तो सोलेरा आवाज जो आवाज आती है ना और करने को डर जाएगी, अच्छी सील बोतल है मैं कहूंगा, कूड़े फेंकने के काम भी आती है। चलो भाई बड़ी खा देते हैं, महंगी बहुत ही शराब है ज्यादा ज्यादा पिया करो। बढ़िया बढ़िया, तो जी हमारा अवार्ड साइड में बीच में आ चुका है, सॉरी ठीक है, साइड में भी कह रहा हूँ बीच में भी कह रहा हूँ, बिना बस खुशबू से ही चढ़ना स्टार्ट हो गई है। तो चखना बड़ा मजेदार लगा है भाई, भाई बना के ना मस्त ट्राई वाला है ये। तो आगे बढ़ता, देखो इंडिया में ये पर्नो रिकॉर्ड कंपनी है, दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लिकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, और इंडिया में पर्नो रिकॉर्ड ये राजस्थान में ये बना रहे हैं, इनका जो वो यूनिट है जो ये बिल्कुल वहाँ पे ये बनती है, उसके बाद
ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होती है। वैसे तो 2-3 प्लांट हैं इनके, बट ये जो रॉयल स्टैग है राजस्थान वाले में जाता हूँ, मेरे को जहाँ तक मेरे को पता है कि रॉयल स्टैग उसी प्लांट में बना रहे हैं लोग। ओके ठीक है। और ये स्पेशल एडिशन है करण, साइन बाय करण जौहर, साइन बाय करण जौहर, डायरेक्टर कट का है देंगे इसको यार। हाँ बिल्कुल सही कह रहा राहुल। तो इसीलिए इसकी जो पैकेजिंग है वो थोड़ी सी अलग है। बिल्कुल कहा सही, ब्लेंडेड एंड बोटल बाय पर्नो रिकॉर्ड इंडियन प्राइवेट लिमिटेड एट राजस्थान लिकर लिमिटेड। मैं वही बता रहा था, मेरे को थोड़ा बहुत याद है रॉयल स्टैग है भाई। हाँ। बड़ी है, थोड़ा नॉलेज में रहना पड़ता है ना। हाँ। जब आप इस फील्ड में उस मार्केट में, तो इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इस पे थोड़ा करण जौहर के बारे में देखो ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। आया पैकेज तो कर लेता हूँ थोड़ा सा। करण जौहर जैसे कलरफुल है ना, ये भी वैसे ही है, कलरफुल ही बना दिया भाई। हाँ। तो इस पे एक लाइन लिखी है, लाइट कैमरा करण, ठीक है, लार्जर देन लाइफ एंड विद ग्रेट टेस्ट टू मैच, करण जौहर हैज शेप्ड बॉलीवुड एंड इंडियन कल्चर फॉर ओवर 2 decades। ठीक है, अच्छी मूवी बनाते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, ठीक ठाक है। कुछ ज्यादा ही लव स्टोरीज है उनकी, मतलब ठीक है यार अपनी जगह। पैसा मिले तो मैं अभी कुछ भी कह सकता हूँ, कुछ भी कहूंगा भाई। ठीक है, मेरे को इतनी ज्यादा देखो ज्यादा लव स्टोरीज वगैरह एक हद तक ही पसंद आती है, ज्यादा नहीं आती है। ठीक है, प्लस उनका और शाहरुख खान का कॉम्बिनेशन और आजकल जो स्टारगेट्स का कॉम्बिनेशन और कंट्रोवर्सीज में तो खैर वो हमेशा ही घिरे रहते हैं। माय नेम इज खान अच्छी है। हाँ कुछ मूवीज अच्छी है, नाइस डाउट, जैसे मैं बोल रहा हूँ कुछ मूवीज अच्छी है। खैर कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम, ठीक है, कहाँ जाम की बात कर रहे थे, एक शबाब की बातें करने लगे। बिल्कुल। और एक्चुअली ये बात करना भी जरूरी है, रीजन बीइंग की जो रॉयल स्टैग है ना, इन्होंने मार्केट में शराब और शबाब दोनों को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया हुआ है अपने अपने अंदर, अपने ब्रांड में। मतलब रॉयल स्टैग के जो ब्रांडिंग है वो ऑलमोस्ट हर एक बॉलीवुड के जो बड़ी अभिनेत्री हैं, बड़े एक्ट्रेस वगैरह हैं, उनके साथ मिलके इन्होंने एडवर्टीजमेंट की हुई है, उनके साथ किसी ना किसी तरीके का टाइप है इनका। बड़ी बड़ी पार्टीज़ में इनके साथ ये लोग अपने आप को, मतलब वहाँ पर प्रमोशन चलता है इनका, और काफ़ी स्पोर्ट्स वगैरह में भी हैं ये। ठीक है, तो ये है इसका बॉलीवुड का सफ़र, जैसे कि मैं बता ही रहा था। और आगे चलते हैं अब, और क्या बात करें भाई इन सब। चलो भाई इसी पे आते हैं। तो कलर डार्क गोल्डन है। वैसे इसमें ये खास बात है कि जो मैंने पढ़ा है, हाँ, इसके बोतल पे भी जो मैंने देखा है, अब कहीं लिखा नहीं है, इस वजह से मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। हाँ। कि एडिट फ्लेवर नहीं है, जो कि इस रेंज में एक बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है ना। तो देखते हैं कि क्या रेंज की बात आ गई, तो 600 रुपए की विस्की है दिल्ली में, 600 रुपए की है ना, 600 रुपए के हिसाब से तो बहुत सी विस्की है ना। चलो बाकी देखते हैं, है ना। तो कलर तो देखो कलर एडिड है, बट ठीक ठाक एडिड है, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, है ना। हाँ लोजिंग कर ले कल। जुकाम हो रहा था, खुल गया भाई, बहुत हार्ड स्मेल है इसकी। चढ़ेंगे तो दिमाग में, ऐसे नोजिंग करी है बंदे ने इधर उधर लगा के, मैं उसको देख रहा हूँ भाई कर क्या रहा है। मतलब कि भाई अगर आपको जुकाम हो रहा हो ना घर में किसी को, उसको भाई ये ले भाई तेल ले, मैंने वो बनाया है काढ़ा, इसको सूप। मतलब इतनी हार्ड, मेरे को इतनी ज्यादा हार्श लग रही है ये, नॉट रिकमेंडेड फॉर स्मेल। स्मेल भूल जाओ, क्योंकि स्मेल में ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ। हल्का सा आपको वुडी नोट मालूम पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं, खत्म। बिल्कुल, थोड़ी सी जो मैं हमेशा बोलता हूँ मोलेसिस के साथ वनीला जाता है, थोड़ा सा वनीला आपको फील होगा इसमें, उसी मोलेसिस रम, समझ ही रहे हो, पहले भी बताया मैंने, है ना। और इस प्राइस रेंज में आपको मोलेसिस तो मिलेगा, वही है इसमें। बाकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मेरे को ना आँख तक में लग रही है ये नोज, तो छोड़ म्यूचुअल स्प्रिट एडिड है यार। ठीक है, तो बहुत है नोज पे, तो हैवी है यार। देखो इतना जिस तरीके से राहुल ने लिए ना भैया, किसी नए बंदे को तो ऐसे बिल्कुल मत कराना, पता चले कि पीने से पहले ही लेट जाए वो। अरे ऐसे करेगा बम। चलो भाई पैलेट में देखते कैसी है। माउथ बर्न है विस्की में मेरे, अगेन होठों के आसपास, तो भाई साहब माउथ बर्न है। जिसके छाले हो ना उस बंदे को पिला दो ये, गाली देता रहेगा वो पूरे टाइम। मतलब इट्स वेरी हार्ड टू टेक इन माउथ, और उसके बाद उसको अंदर लेना भी एक मतलब टास्क बन गया ये, खासकर विदाउट वाटर। नीट तो नॉट रिकमेंड, नीट बाय रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है ना।
नोजिंग आपके ऊपर है कि आप किसी को बेहोश करना चाहते हो, आप करा लो, ठीक है ना। हाँ बहुत हार्ड है, मतलब पैलेट बहुत हार्ड है। मैं कहूँ वाटर एक बार ऐड करके देख लेते हैं, अदरवाइज कुछ ज़्यादा मेरे को मालूम पड़ा नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ वाटर एक बार ऐड कर ले। इतनी जल्दी वाटर पे पहुँच गया भाई, थोड़ा बहुत तो पता, कुछ टेस्ट वेस्ट पता चला इसमें भाई नहीं? अभी कोई टेस्ट मेरे को मालूम नहीं पड़ा, बी फ्रैंक, थोड़ा सा बस हल्का सा प्रोटीन नोट मालूम पड़ रहा है, बहुत हल्के से, बहुत ही मैलो से, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है टेस्ट। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा वाटर ऐड कर ले, जब भी कुछ मालूम पड़ पाएगा नोजिंग में भी और टेस्ट में भी, आगे बढ़ पाए, नहीं तो अभी तक तो कुछ नहीं है भाई। मतलब ये जो सुलेरा प्रोसेस इन्होंने लिखा हुआ है बस नाम के लिए है। प्रोसेस छोड़ना, मतलब क्या कहा था शुरुआत में भाई, विस्की का जो असल रिव्यू होता है ना, वो होता है पीने के बाद। तुम कितने भी तगड़े प्रोसेस से निकल जाओ, जब तक आप टेस्ट को टेस्ट नहीं करोगे ना, कितने भी फाइव स्टार होटल में चले जाओ, जब तक वो खाना अच्छा नहीं बनाएगा ना, आप कह दो खाना बेकार है। और बेकार और अच्छे का फर्क यही होता है कि वो बेकार और अच्छा होता है, उसमें ये नहीं होता कि ये भाई बीच का है। हाँ। बस वही वाली बात है, ठीक है ना। हाँ। वो चाहे कितना भी कह ले कि भाई इसमें क्रीम डाली है, इसमें ये डाला है, हाँ। इसमें वो डाला है, उससे फर्क नहीं पड़ता अगर हाँ। फाइनल टेस्ट वो अच्छा नहीं है तो। हाँ। ठीक है, अब वही हिसाब किताब इसका है। ये कितना भी कह ले कि इन्होंने स्कॉच यूज करी हुई है, सुलेरा प्रोसेस यूज किया हुआ है, अमेरिकन बैरल में करा हुआ है, कितना भी कह रहे अगर टेस्ट इसका वही है ना, क्योंकि देखो इतना एक्सपीरियंस हो चुका हूँ मैं विस्की पीने के बाद, अलग अलग टाइप के विस्कीज पीने के बाद, कि अमेरिकन चार बैरल में जो विस्की मैच्योर कराई जाती है ना, उनका टेस्ट और उनका जो कैरेक्टर होता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है ना मजाक कर रहा हूँ, तो आप सबसे सस्ती और सबसे ईजिली अवेलेबल अमेरिकन बर्बन जो मिलती है मार्केट में अपनी जिम बीम, आप उसको एक बार सिप करना, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या होता है अमेरिकन वो और ओक बैरल जो होते हैं। कुछ हमारे कमेंट बॉक्स में भी कुछ कह रहे थे कि आपको क्या मालूम पड़ता है कैसे। हाँ, है ना, आप ये कह रहे थे ना कि आपको कैसे पता चल जाता है नोट्स का, टेस्ट का, आप तो झूठ बोलते हो। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत सही चीज़ है। रीज़न क्या है कि हम इंडिया में जो हमारी स्टार्टिंग विस्कीज़ होती है ना, वो इस टाइप की विस्कीज़ होती है, और ये विस्कीज़ मतलब इतनी स्ट्रांग है आपके पैलेट पे, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, नॉट ओनली ऑन पैलेट बट नोजिंग के टाइम पे, हर एक स्टेप में इनमें जो स्ट्रांग हार्शनेस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग है। आप इसमें पता ही नहीं लगा सकते किसी चीज़ का कि इसमें क्या मिला हुआ है, किस तरीके से बनी हुई है, क्या नहीं बना हुआ है, क्या कैरेक्टर है, आप बिल्कुल नहीं पता लगा सकते। आप मुंह में लेते ही आपके चारों तरफ तो आपको जलन मच जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो महंगी विस्की होती है उसमें माउथ बर्न नहीं होता है, कड़वाहट नहीं होती, बिल्कुल होती है। कैरेक्टर एक्चुअली उन सब चीज़ों से ही बनता है, बट वो एक लेवल में होती है, एक जो कहते हैं ना कि जो मतलब वो विस्की ना, उनका अगर कैरेक्टर है ना कि अच्छी स्मेल देना या अच्छा अरोमा क्रिएट करना, तो अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ती है वो। हाँ, अपने कैरेक्टर में क्रिएटेड जैसे होती है ना, वो वैसी रहती है, जैसे शुरुआत से रहती है वैसे एंड तक रहती है। बाकी उनका ना अगर वाटर ऐड करोगे तो अरोमा ऑन करके आ जाते हैं, मतलब और भी अच्छी आपको लगी वो पैलेट पे, इतनी बढ़िया विस्की पीने में, लेने में और मुंह में घुमाने में, मतलब आपको मालूम पड़ता है कि आप कुछ पी रहे हो, एक बहुत ही अच्छा, अच्छी तरह का एक, पर मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छी तरह का फ्लावर जो जूस होता है ना, उस तरह से वो पी रहे हो, मतलब एक बढ़िया अरोमा ग्रेड होता है, मतलब मजा आता है उसे पीने में। एग्जैक्टली, और ये सिर्फ ना इंटरनेशनल ब्रांड के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, हमारे इंडिया में ही बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड आज के टाइम पे अवेलेबल हैं, खुद के इंडियन ब्रांड जो अच्छी बनाते हैं। ठीक है, और ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे बनाते हैं, अच्छे खासे मिड रेंज से स्टार्ट हो जाते हैं। आजकल तो 600 रुपए में एक बढ़िया सी ओकस्मिथ आ जाती है, मैं बार बार हर वीडियो में ओकस्मिथ बोलता हूँ, उसका रीजन ये है कि अच्छी विस्की है और उस प्राइस पॉइंट पे मिल रही है। आप सब छोड़ो, ओकस्मिथ भी छोड़ो, एक विस्की हमने आपको रिकमेंड करी थी विस्किन क्राफ्ट। हाँ, विस्किन क्राफ्ट, ठीक है, उसमें भी थोड़ा बहुत मोलेसेस है, उसमें भी थोड़े बहुत, बट उसमें जो उनका ब्लेंड है ना, इतना बैलेंस ब्लेंड है ना कि आप उसमें पता लगा सकते हो बाकी चीज़ें, उसमें आपको नट्स भी पता चल जाएंगे, उसमें आपको बहुत सारे अलग अलग टेस्ट पता चल जाएंगे, स्पाइसेस वगैरह। बट ये कैसा है ना कि इसमें मोलेसेस इतना ज़्यादा ही यूज़ कर रखा है, आपको कुछ नहीं पता चलता। मतलब कि हम कैसे पता लगाते हैं, वैसे जैसे आप घर में जब आप सर्दियों में चाय पीते हैं ना, कोई अदरक डालता है, कोई इलायची डालता है, अगर नहीं डालता तो आपको उसका फ्लेवर लेने के बाद ही आपको डायरेक्ट मालूम पड़ जाता है कि यार तूने इसमें ना इलायची नहीं डाली, तूने इसमें अदरक नहीं डाला, तूने इसमें मिर्च नहीं डाली। तो जब आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करके बचपन से लेकर जवानी तक पीते रहोगे ना, ठीक है ना, और हम बचपन से जवानी तक नहीं पी रहे हैं वैसे तो, ठीक है ना, जब से पी रहे हैं तो हमें थोड़ा सा नॉलेज होगी इस चीज़ की। इतने टाइम से हम रिव्यूज़ वगैरह कर रहे हैं और लिकर भी काफ़ी टाइम से पी रहे हैं, तो हमें उस चीज़ का नॉलेज हो चुकी है, मतलब पता लग चुका है कि किस चीज़ में क्या चीज़ एडिड है, क्या चीज़ एडिड नहीं। जब उसको स्मेल करते हैं, हम टेस्ट करते हैं, तो मैं मालूम पड़ जाती है कौन सी चीज़ ओवर पावरिंग है, कौन सी चीज़ नहीं है इसमें, और कौन सी चीज़ एडिट होनी चाहिए इसमें, और कौन सी चीज़ अच्छी है आपके लिए, कौन सी चीज़ बुरी है। तो वो सारी चीज़ें हम आगे रिकमेंड भी करते हैं, आपको बताते भी हैं, तो चीज़ कुछ तरह से ही चलता है ये साइकिल। बिल्कुल। खैर, राहुल ने अभी पानी ऐड किया है, आगे बढ़ते हैं क्यों।
एक बार पानी के बाद थोड़ी मेलो होगी नोज पे। थोड़ा सा आपको फ्रूटी आप पता चलेगा ये, ठीक है, हल्का सा वेनिला चॉकलेट फ्लेवर आपको अब मालूम पड़ेगा, मतलब कि मैं कहूँगा कि अब जो इसका जो प्राइस रेंज है ना हल्का सा जस्टिफाई कर रही है कि ठीक है कुछ फ्लेवर अब निखर के आ रहे हैं तो मतलब कि ये चीज़ साफ है। नीड तो बिल्कुल मत पीना, पीना तो वाटर के साथ पीना, टेस्ट भी अच्छा आएगा आपको, पीने में प्लेजेंट लगेगी थोड़ी सी। मैं तो बहुत बार ट्राई कर चुका था, दोबारा करवा दी। ओहो देखो ठीक है, मतलब पहले से ठीक है मेरे लिए तो भाई, मैं बजट विस्की वाला लवर हूँ तो मेरे लिए तो भाई ठीक है, मतलब ठीक है, चार पांच दोस्तों को निपटाना हो एक बोतल में भाई ले जाओ, नशा करो अच्छे से और एंजॉय करो पार्टी का भाई। सही बोला राहुल ने, नशा करो एंजॉय करो वाली विस्की है ये, ठीक है। आप इसको वैसे अकेले बैठ के नहीं पीने वाली है, आप वैसे बिल्कुल एंजॉय नहीं कर सकते, रात भर आपको एंजॉय नहीं कर सकते आप इसको। हाँ, नीट तो बिल्कुल ही भूल ही जाओ, नीट तो मैं बिल्कुल ही रिकमेंड करूंगा ऐसे। रही पानी मिला के, तो हमने तो 5 ml के आसपास ही पानी मिलाया हुआ है इसमें। अगर आपको इसको अच्छे से पानी मिला के भी इंजॉय करना है ना, तो अगर आपने 30 ml ये लिया है तो 30 ml ही पानी मिला लेना, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। मैं ये रेकमेंड करूँगा पानी मिला के भी, और बाकी जो जो एक्चुअल में पीने वाले हैं वो तो 30 ml छोड़ो, वो तो पूरा ग्लास ही भर देते हैं पानी से, पूरा पानी से सोडा से, है ना, तो उनके तो बात ही अलग है। 30 ml विस्की और बाकी सारा पानी, 170 ml वाटर, ऐसे ही चलता उनका, तो उनके तो खैर बात ही अलग है। बट हाँ, 30 ml में 30 ml पानी मिलाओ, आपको थोड़ा बहुत नोट्स वगैरह आप शायद पहचान पाओ, ठीक है, थोड़े बहुत आपको स्मेल वगैरह में डिफरेंस पता चले, अदरवाइज उसके बिना तो आपको नहीं पता चलेगा। एंड ओ भाई, सर दर्द करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, भाई मेरे को नहीं समझ आता इसका हैंगओवर होता भाई इसका, मैंने ज़्यादा पी नहीं हैंगओवर के बारे में, मैं तो सुबह बताऊंगी है भाई, है इसका नहीं हैंगओवर नहीं है, इस बैरल लेग का हैंगओवर नहीं है, बैरल लेग का नहीं है। अच्छा चलो भाई, अब जैसे अच्छी बात है, बैरल लेग का हैंगओवर नहीं होता है। चलो एक नई चीज, चलो हम अब ऐड करते हैं आपसे। अच्छा, हम जो भी इसकी का रिव्यू करा करेंगे, ठीक है ना, अगले रिव्यू में उसका बताया करेंगे उसका हैंगओवर था कि नहीं था। चलो ठीक है, है ना, ये भी ठीक है ना, ठीक है। तो सुलेरा प्रोसेस के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं, हम लिखा है तो बता देता हूँ मैं, सुलेरा प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है। एक के ऊपर एक स्टैग करके ना बैरल्स रखे होते हैं, ठीक है, और उनमें भरी जाती है। सुलेरा प्रोसेस मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्कॉचेस में, ठीक है, और यूज़ होता है विस्कीज़ में, स्कॉचेस में यूज़ होता है, अदरवाइज़ सुलेरा प्रोसेस जो ओरिजिनली यूज़ होता है वो वाइन वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। ओके, ठीक है, तो सबसे ऊपर होता है सबसे नया स्पिरिट होता है, ठीक है, और सबसे नीचे होता है सबसे मैच्योर्ड स्पिरिट होता है, ठीक है, जो बैरल्स होते हैं, मान लो कि 5-6 barrel एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। अब क्या होता है, नीचे सबसे मैच्योर्ड बैरल है, ठीक है, अब उसको पैक करके बेकना स्टार्ट किया जाता है, और धीरे धीरे जब वो उसमें नीचे वाले बैरल में कम होना स्टार्ट होती है ना, तो इसके ऊपर जो बैरल रखा होता है उसका स्पिरिट को नीचे वाले बैरल में उतार लिया जाता है। ओके, ठीक है, अब क्या इसके ऊपर वाला आधा हो गया, तो इसके ऊपर जो है उसका इसमें निकाल लिया जाता है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप ना, जो सबसे ऊपर वाली विस्की है ना वो धीरे धीरे करके नीचे आती रहती है। अब वो जैसे जैसे नीचे आ रही है ना, अब ये नीचे आने में ना ऐसा नहीं है कि हर दिन नहीं, ये बहुत सालों का टाइम लगता है, ठीक है। तब वो जैसे जैसे वो नीचे आ रही है ना, तो जितना टाइम वो एक नए बैरल में स्पेंड कर रही है उतना ही वो नया कैरेक्टर एब्जॉर्ब करती है उस बैरल का, ठीक है, नए फ्लो नोट्स, नए अलग अलग चीज़ें। तो ऐसे सुलेरा प्रोसेस में ना अलग अलग टाइप के बैरल वगैरह यूज़ करके ना काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं, ताकि नए नए नोट्स, नई नई चीज़ें पता लगाई जा सके, मतलब काफ़ी अलग अलग विस्कीज के जो बैरल होते हैं उनके पूरे क्रिएट करके उनको एक अलग से प्रोसेस करा जाता है, उसके अंदर एक विस्की तैयार की जाती है। हाँ, और उससे ना काफ़ी अच्छा कैरेक्टर एक्चुअली में ऐड हो जाता है। अब उस सुलेरा प्रोसेस की जो बेइज्जती हुई है यहाँ पे इस विस्की में, मैं उसका भी बता देता हूँ। मतलब कि एक तो वो प्रोसेस इतना टफ प्रोसेस है और बहुत महंगा प्रोसेस है। सुलेरा प्रोसेस जो एक्चुअल ओरिजिनल प्रॉपर तरीके से सुलेरा प्रोसेस प्रिपेयर्ड जो वाइन या विस्की होगी ना वो महंगी आएगी, क्योंकि ना वो जो प्रोसेस है एक तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें ज़्यादा बैरल लगते हैं, ज़्यादा वो क्या कहते हैं मैच्योरेशन टाइम लगता है, तो वो ज़्यादा महंगी होती है, प्लस उसका कैरेक्टर भी ज़्यादा अच्छा बन के निखरता है, निखर के तैयार होता है। अब वो मान लो कि वो प्रोसेस से तैयार हुई एक स्कॉच इन्होंने ली और उसका सिर्फ 2 या 3 या मैक्स टू मैक्स, वैसे तो लिखते हैं 2-12%, बट आपको पता ही है सस्ती चीज़ों में 12% कौन इस्तेमाल करता होगा, ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया 100, वो 6% इस्तेमाल कर लिया, है ना,
6-7% मान लो कि इसमें सोलेरा प्रोसेस की मैं जो विस्की है वो यूज़ करी, और उसके बाद बाकी 80% एंड अबव तो मोलेसेस ही है, और थोड़ा बहुत इधर उधर ऐड करने के लिए थोड़ा इंडियन न्यूट्रल ग्रेन स्पिरिट वगैरह इस्तेमाल कर लिया, मॉल्ट स्पिरिट इस्तेमाल कर लिया बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो अब मैं आपको एक इंडियन स्लैंग है कि रजिया फंस गई गुंडों में, वो वाला हिसाब हो जाता है यहाँ पे भाई, रजिया ये देखो रजिया। तो वो मतलब मोलेसेस वगैरह इतना ज़्यादा ओवर पावर कर जाते हैं उस स्कॉच को कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्कॉच है भी इसमें कि नहीं है, जो आप ये एक्स्ट्रा 50 रुपये दे रहे हो किस लिए दे रहे हो, है ना, सिर्फ एक्स्ट्रा कड़वाहट के लिए, एक्स्ट्रा उसके लिए, कोई टेस्ट डिफरेंस भी ज़्यादा पता नहीं चलता, इसलिए ना मार्केट में ज़्यादा हिट भी नहीं हुई, ठीक है। जो फैन है ना इसके बैरल सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो रॉयल स्टैग के जो फैन है ना वो आज के टाइम पे भी कंपेयर टू बैरल सेलेक्ट वो रॉयल स्टैग पीना ही पसंद करते हैं, ठीक है, नॉर्मल वाली आती क्लासिक, हाँ, बिल्कुल नॉर्मल वाली, उसका टेस्ट उनको ज़्यादा बेटर लगता है बैरल सेलेक्ट से इसी वजह से। और मेरे को भी ऐसा लगता है जैसे कि राहुल ने भी एग्जांपल दिया था कि रेस्टोरेंट में जाके जो शेफ़ है वहाँ का आपको कितनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना बोल ले कि ये इंग्रेडिएंट यूज़ हुआ है, ये यूज़ है, ये हुआ है, अगर उसका टेस्ट वो मीट नहीं कर पाता ना आपकी एक्सपेक्टेशन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, कितना भी कुछ भी क्यों ना बोल ले बट जो टेस्ट जो फाइनल टेस्ट होना चाहिए था वो इन्होंने किया ही नहीं, क्योंकि आया ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल में जो आप पे ऑफ कर रहे हो ना वो बॉटल का पे नहीं कर रहे हो, ये जो ध्यान रखना हमेशा, आप पे ऑफ कर रहे हो विस्की के लिए, ठीक है, उसके अंदर सामान है। हाँ और विस्की में अगर जान नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। सीग्रम्स की मैंने खासतौर से ये बात देखी है कि ये ना ज़्यादातर दो वेरिएंट में अपने ब्रांड्स को लॉन्च करते हैं, जैसे सीग्रम्स की ब्लेंडर स्प्राइट है, ठीक है, वो रिजर्व में भी आती है, ब्लेंडर स्प्राइट में भी आती है। अब जब आप वो दोनों पियोगे ना दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों का एक अलग टेस्ट है और दोनों मज़ेदार है, बट यहाँ पे ना वो थोड़ा सा चूक गया राहुल, है ना, यहाँ पे जो ओरिजिनल जो ब्लेंड है ना वही बढ़िया ब्लेंड है, ये बैरल सेलेक्ट की जरूरत थी नहीं मार्केट में, बिना मतलब मैं बस कि मैं कह रहा हूँ और अच्छी तरह से प्रोसेस करके ना थोड़ा ब्रांड और महंगा कर देते, 150 की जगह 100-150 महंगा कर देते, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा काम और करते, मतलब हाँ। टेस्ट प्रोफाइल पे थोड़ा काम और करते, नशा ये कहूंगा नशा अच्छा है लेकिन टेस्ट प्रोफाइल काम थोड़ा और करते तो और भी मजा आता है इसको पीने में, एंजॉय करने में, हाँ थोड़ा तब ये प्रीमियम रेंज में आती है वाकई में, अभी तो नहीं है। अब इसका जो मार्केट में डायरेक्ट जो चैलेंजर है इसका वो है रॉयल चैलेंज, ठीक है, सच बताऊं तो मार्केट में ये दोनों एक दूसरे की टक्कर में रहते हैं, कॉम्पीट करते रहते हैं मतलब हाँ, और रॉयल चैलेंज ने ना ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया अपने साथ, उनका एक ही वेरिएंट आता है, अगर कोई और वेरिएंट आता है मेरे को तो नॉलेज नहीं क्योंकि मैं उतना ज़्यादा नीचे उतना छोटे ब्रांड मैंने बहुत कम ही पीता हूं, अगर आपको पता हो तो आप मेरे को बताना, मेरी नज़र में तो नहीं है भाई, मेरी नज़र में भी नहीं है, मैं अपने लोकल दुकान बैठता हूं तो मेरे को पता है कि आरती का इतना बड़ा ब्रांड नहीं है, है ना, कोई एक नेक्स्ट कोई उसका प्रीमियर वगैरह, और मैं कहता हूं अच्छा है वो अच्छा अपने लेवल पे जैसा है जो भी है, उन्होंने एक ही वेरिएंट चला रखा है और वही टक्कर देता रहता है, इसके दोनों को वो टक्कर देता है, बैरल सेलेक्ट को भी वही मतलब बैरल बैरल को भाई निकाले इसलिए गया आरसी की टक्कर के लिए, अच्छा हाँ, बट वो कर नहीं पाया है, अब वो पता नहीं कर रहा है धीरे धीरे, तो बैरल का फैन पुलिंग बढ़ रही है, देखो मैं ये कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि बैरल की फैन पुलिंग नहीं है, बैरल धीरे धीरे लोग पसंद कर रहे हैं, पसंद किस लिए कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा इसलिए, क्योंकि देखो अभी हमने थोड़ी सी पी है इसके अंदर और हमें हल्का हल्का नशा आने लगा शुरू हुआ है, तो ये चीज़ बंदों का बन रहा है। देखो ज़्यादा और कुछ है नहीं बताने के लिए, ठीक है, जितना बता सकते बताने के लिए है, क्या बता बताने के लिए है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है भाई लोगों, गर्मी ऐसी पड़ रही है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, दिल्ली के अंदर बहुत गर्मी है, अच्छा तो मैं कहूँगा अगर आप दारू के अंदर पानी मिलाते हो ना तो मैं चाहूँगा कि आप जो स्ट्रीट एनिमल्स है, काऊ है, डॉग्स है, मैं चाहूँगा आप उनको भी वाटर प्रोवाइड करो, मतलब जाके बाउल में पानी पिला दो या उनके लिए बाउल एक प्रोवाइड करो, परमानेंट बाउल उनके लिए पार्क में रख दो, कहीं पे भी रख दो, क्योंकि दे पीपल नीड इट, क्योंकि आप तो यार मैं हमारे पास खुद के पास पैड्स है और वो ऑलमोस्ट 2-3 लीटर वाटर कंज्यूम कर लेते हैं पर डे का, ठीक है ना, तो मैं समझता हूँ उनको भी रवि वाटर की जरूरत पड़ती होगी, तो मैं अगर आप ये हेल्प कर पाओगे उनके लिए आई थिंक रियली थैंकफुल टू यू, ठीक है ना, मैं आपके दिल से आपके लिए थैंक करूंगा कि अगर आप स्ट्रीट एनिमल्स के लिए काम करोगे तो, और प्लीज मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने ये काम कराया या नहीं करा, ठीक है ना, इसका 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 चैनल से कोई लेना देना नहीं है, चाहे आप चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वो करना ना करना आपके ऊपर है, ये दिल की बात है, जो कि मेरे दिल से निकली कोई पानी की बात आई तो एक बार बात निकल गई कि हमें भी कितनी प्यास लगती है तो उनको भी लगती है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये काम करो, सही कह रहा है राहुल, और सिर्फ जानवर नहीं, कुत्ते बिल्ली नहीं, चिड़िया वगैरह हो गई, बर्ड्स हो गई, एवरीबडी नीड्स दिस, ठीक है, बर्ड्स के लिए तो आप घर पे ही अपने जो आपकी बालकनी वगैरह है वहाँ पे आप छोटे छोटे बॉल रख लो और वहाँ पे पानी डालते रहो, बर्ड्स तो काफ़ी टाइम चल जाता है, सबसे ईजी है उनको फीड,
ठीक है, बातें बहुत हो गई, ठीक है, रिव्यू भी कर ही लिया हमें। मेरे हिसाब से अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको विस्की स्पिरिट के नाम से भी बेको तो मैं अपना दिमाग उस तरीके से बना लूँ और मैं उस तरीके से इसको पीऊँ, ठीक है। अब ये बोल रहे हो आप विस्की उसमें ऐड कर रहे हो मोलासेस, तो मेरा थोड़ा ना मन खट्टा वहाँ पे हो जाता है, तो इस वजह से मेरे को पसंद नहीं आती है इस रेंज की विस्कीज। बाकी यहाँ राहुल कह रहा है कि जैसे राहुल हमेशा कहता है, लास्ट में भी उसने कहा था कि जिस रेंज में विस्की अवेलेबल है उस रेंज में एकदम प्योर स्पिरिट बनाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मोलासेस वगैरह ऐड किया जाता है, ठीक है। बट मैं तो भाई मेरा मानना अलग है, राहुल का मानना अलग है इस मामले में, बट हाँ ठीक है, 600 रुपए के हिसाब से ठीक ठाक विस्की है, ठीक है, ठीक ठाक। हाँ, आप फ्रेंडली विस्की मैं कहूँगा, यार ऐसा बुरा नहीं है, ठीक है। बाकी अगर रिकमेंडेशन करूँगा तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा इसकी जगह ना आप विस्की क्राफ्ट ले लेना, वो भी 600 के आसपास। हाँ वो भी ठीक है ना, बढ़िया बढ़िया है ना, वो बढ़िया है, इससे बढ़िया है ना, वो सेम है, सेम वो रेंज है, उसका टेस्ट प्रोफाइल इससे बढ़िया है, नशा से थोड़ा कम है, टेस्ट प्रोफाइल इससे अच्छा है। वो मेरे हिसाब से आप वो एक बार ट्राई करना, एंजॉय करना, मजा आएगा। तो खैर जल्द अब खत्म करेंगे इस वीडियो को यहाँ पे, ठीक है, नए वीडियो की तैयारी करनी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जाने से पहले मैं जैसे कि हमेशा बोलता हूँ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। और राहुल हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो मैंने वीडियो के बीच में कहा था कि स्ट्रीट डॉग्स और काउस को पानी पिलाना ना भूलें, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए लाइव दुगने की तरफ से चीयर्स।